हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के हिंदी क्षितिज चैप्टर 6, प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक है हरिशंकर प्रसाई। पाठ को पढ़ने से पहले हरिशंकर प्रसाई जी के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हरिशंकर प्रसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वासुदा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास संग्रह हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह है, ये सारे उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोधी, बेमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब पाठ के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। अब पाठ को पढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद यानी फीते बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने का अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की, तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे
खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ना यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फोटो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए तुम जूते मांग लिए होते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगी की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते ना नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू दे देती है। टोपी आठ आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए के कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपियों के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, परंतु पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दी जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पास कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है वह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में
नील गाय हल्कू का खेत चर गई। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह। मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे में बुलाकर देने वाले के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको कब्रो करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की उंगलियां मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो ये थी आपकी क्लास 9 हिंदी क्षितिज पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी परेशानी है, डाउट है, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।